कलबुर्गी शहर में कांग्रेस पार्टी के युवा नेता यूनुस खान केटीएस और उनके ग्रुप ने मिलकर आज कलबुर्गी शहर के हबीब फंक्शन हॉल में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मुफ्त मतदाता पहचान पत्र बनाने का शिविर रखा गया है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के युवा नेता यूनुस खान केटीएस ने कहा कि ये शिविर कलबुर्गी जनता के लिए रखा गया है। जैसे कि ये बात कलबुर्गी शहर में उठ रही है कि लगभग 25 से 30 हजार मतदाताओं के पहचान पत्र डिलीट यानी निकाले दिए गए हैं। क्या कारण से निकाल दिया गया है पता नहीं, लेकिन मैं और मेरी टीम ने ये निर्णय लिया है जिसका भी मतदाता पहचान पत्र बनाना है उन लोगों का ये शिविर से लाभ होगा। मैं सभी कलबुर्गी जनता से निवेदन करता हूं कि अपना अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाए। इकबाल अहमद सिडनी फरोश, मिर्जा काजिम बेग, अजीजुल्ला सरमस्त, नवाज खान, आमिर शाह, शेख दस्तगीर, अब्दुल कादर फौजी, जैनुद्दीन ताजनगर, आबिद हुसैन और कॉम्पैक्ट फर्नीचर के मालिक इमरान इस शिविर में मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, UMS मीडिया। गुलबर्ग के आवाम के लिए ये वोटर आईडी कार्ड फ्री कैंप रखा गया था कि जैसा कि तमाम लोग जो मीडिया पे सुन रहे थे कि 20,000-29,000 कुछ वोटर लिस्ट से कट हो गए, क्या कारण से कट हो गए वो हमको पता नहीं था, लेकिन हम और हमारी टीम मिलके डिसाइड करे कि जो भी नए जनरेशन जो 18 साल के हो गए हैं उनका भी एक वोटर आईडी कार्ड के लिए फ्री कैंप रखा जा सकता है, और मैं समझता हूँ जो डिलीट हो गए वो भी आके चेक कर सकते हैं क्या कारण है उनके वोटर आईडी डिलीट हो गए। ये 10 दिन का कैंप हबीब फंक्शन हॉल में रखा है, आज से ओपनिंग हो गई है। मैं समझता हूँ काफ़ी लोग में बेचैनी है वोटर आईडी कार्ड को लेके, मैं सुबह से देख रहा हूँ अभी हम लोग नहीं आए थे, कंप्यूटर सिस्टम नहीं आता, लोग आके अपना पेपर्स डॉक्यूमेंट्स लेके इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ जो मकसद से हम रखे थे जो पब्लिक और आवाम का वोटर आईडी कार्ड का प्रॉब्लम सॉल्व करने है, मैं समझता हूँ वो कामयाब नज़र आ रहा है। और मैं तमाम गुलबर्ग के शहर के जुम्मेदार उलमाएँ और सभी पार्टी के जुम्मेदारों से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपना अपना पहले वोटर आईडी कार्ड दुरुस्त करने के लिए अपने अपने वार्ड से अपने अपने एरों से सभी को इधर अभी फंक्शन हॉल में भेजिए और उसका फ़ायदा उठाइए। और एक आदमी ये ठान ले कि एक आदमी 5 आदमी को अपने पड़ोसी घर से सभी से जाके मिले, वो पड़ोसी फिर 5 आदमी को मिले, मैं समझता हूँ ये 9 दिन में पूरा गुलबर्गा शहर कंप्लीट होगा वोटर आईडी कार्ड के लिए। ये एक बहुत ही अहम वोटर आईडी कार्ड का मसला है, इसको कामयाब करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले इलेक्शन में जिसी को भी आप चुनना है तो आपके पास कार्ड वोटर आईडी कार्ड में लिस्ट में नाम रहा तो चुन सकते हैं, जो भी बेहतर आदमी कैंडिडेट ठहरेगा आप उनको डाल सकते हैं। पहले वोटर आईडी कार्ड आप बनाइए, ये हमारे तमाम टीम की रिक्वेस्ट है। देखिए पहले से ही एक एजेंडा बना हुआ है कि मुसलमानों को वोट देने का हक छीन लिया जाए, इसी एजेंडे के तहत इस तरह की साजिश की जा रही है और वोटर लिस्ट से मुसलमानों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं, और इसका कामयाब तजुर्बा यूपी में हो चुका है। यूपी में हर पोलिंग बूथ से कम 100 वोटर्स के नाम डिलीट किए गए, तो इस तरह से पूरे हलके में 200-300 बूथ्स होते हैं, अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 30,000-20,000 से ज़ायद वोट डिलीट हो गए, तो किसी भी उम्मीदवार की कामयाबी में बहुत बड़ा फिगर होता है। तो वही साजिश इस वक्त कर्नाटक में भी चलाई जा रही है। गुलबर्गा में आप RTI से इस बात का पता लगाया गया कि कितने वोट डिलीट हुए हैं, ये कहा जा रहा है कि जो वोट डिलीट किए गए वो बोगस थे। तो मैं नहीं समझता कि इतनी कसीर तादाद में बोगस वोटर्स हो सके, बोगस वोटर्स इतने 20-30 हज़ार कैसे हो सकते, और अगर वाकई ये बोगस हैं तो इसके लिए जो अथॉरिटी है वो जिम्मेदार है, उनके खिलाफ़ क्या इलेक्शन कमीशन एक्शन लेता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये सिर्फ लोगों की तवज्जो हटाने के लिए इस तरह कहा जा रहा है कि बोगस वोट है, लेकिन मुसलमानों को संजीदगी से गौर करना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि यूनुस खान साहब ने इस खतरे को, ये संगीन खतरे को महसूस किया और इस तरह का कैंप होना किया। होना तो ये चाहिए था कि तमाम जमातों की जानिब से इस तरह के कैंप नफिज किए जाने चाहिए, और मुझे इस बात का भी अफसोस है कि मुसलमानों में इस संगीन मसले पर जिस तरह का शऊर बेदार करने का काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। मस्जिद से इस तरह का ऐलान होना चाहिए, अगर यूनुस खान साहब ने इस तरह का कैंप मुनक़िद किया है तो मस्जिद के आइम्मा की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के कैंप के बारे में जुमा के खुतबात से पहले ऐलान करें।
और बताएं कि किस तरह की साजिश उनके साथ की गई है और मुसलमानों को आगे बढ़कर अपने वोट के हक को हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा मसला हमारे पास ये है कि हमारे पास शऊर की कमी है और शऊर बेदार करने वालों की उससे ज़्यादा कमी है। ये दो खतरे इस वक्त मिल्लत के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो रहे हैं और आने वाले हालात में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है उसकी वजह भी यही है कि मिल्लत में शऊर की कमी है और जो लोग शऊर बेदार करना चाह रहे हैं वो खुद भी शऊर से आ रही है। गुलबर्गा को कैसे देखते हैं? अच्छा, वही मैंने बताया कि गुलबर्गा शुमाल पर बहुत दिनों से एक फिरका परस्तों की नज़र है कि ये सीट जो एक ज़माने से मुस्लिम सीट रही है इसको किस तरह ख़त्म किया जाए। ये उसकी एक साजिश का हिस्सा ये वोटों को डिलीट किया जाना है। इस बात को संजीदगी से समझने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे जो MLA बनने के गुलबर्गा में बहुत से दावेदार हैं लेकिन मुझे अफसोस है कि उनको पता ही नहीं है कि इलेक्शन कैसे जीता जाता है, इलेक्शन जीतने के लिए क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल यह है मेरा, जो हर शख्स MLA बनने का ख्वाहिशमंद है, पहले उसको मालूम होना चाहिए कि MLA के इख्तियारात क्या हैं, MLA के फ़राइज क्या हैं। अगर MLA भी जाकर एहतजाज करने लग जाए तो फिर ऐसा MLA चुनकर फ़ायदा क्या है? MLA बनने की ख्वाहिश रखने से पहले आपको MLA कैसा होना चाहिए, MLA के क्या फ़राइज इख्तियारात है, क्या काबिलियत है, हाउस में बोलने आता है या नहीं? आपको आप मामूली जलसे में आप बोल नहीं सकते, असेंबली में जाकर आप क्या बोलेंगे MLA बनकर? आपको मसाइल ही नहीं मालूम है। आपने देखा कि बीदर के कांग्रेस के रूप में असेंबली जो मिनिस्टर रहे उनको अपनी मिनिस्ट्री का नाम बोलने नहीं आता था और नुपुर शर्मा का नाम बोलने नहीं आया उनको। अगर ऐसा MLA मुंतखब होता है तो ये कोई शौक़ या नाम शोहरत के लिए MLA बनना नहीं है, कौम की नुमाइंदगी करने के लिए MLA बनना है। कौम की बेबाक नुमाइंदगी करने की सलाहियत आप में है तो आप MLA बनने के लिए आगे आइए। शौक में या पैसा आ गया है, दौलत आ गई है, या मैं MLA बनना चाहता हूँ, ये MLA बनने के उसूल नहीं हो सकते। आज हबीब फंक्शन हॉल में वोटर ID कार्ड का अभी इनॉग्रेशन हुआ। जनाब KTS ट्रांसपोर्ट के मालिक यूनुस खान साहब ने इसका इब्तिदा किया और ये कैंप आप ही के जानिब से मुनक्किद किया गया है। यूनुस खान साहब की ये सोच है कि आज हमारी अपनी कौम जो सोए भी है उनको जगाने का काम वक्त से पहले आप ये कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के ज़रिए हमें पता चला, सारे शहर के लोग भी उस बात को देखे हैं कि 2019 से लेकर 2022 तक 30,000 वोट जो है यहाँ पर नॉर्थ में डिलीट हो चुके हैं। तो जब से ये बात यूनुस खान साहब के और हमारे ग्रुप के बाद ये जहन में आई तो ये हमने ये बात को जहन में रखते हुए आने वाले दिनों में 30,000 का जो डिलीट होना ये हमारे लिए जो है सोच वाली बात है, फिक्र वाली बात है कि आने वाले दिनों में जब भी कोई इलेक्शन आएगा, चाहे नुमाइंदा कोई भी हो, तो जब हमारे हाथ में जब हथियार नहीं है, हम जंग का जब वक्त आता है तो हम उस वक्त जो है तमाम प्लानिंग तमाम मंसूबों की हम बात करते हैं। तो आप जब आपके हाथ में हथियार ही नहीं तो आप किस टाइप का मंसूबा बनाएंगे? तो 30,000 वोट जो डिलीट हुए हैं, हमें डिलीट होने का हमको अफसोस नहीं है। अगर वाकई अगर कुछ और जो है डबल ट्रिपल या और दो चार जगह जहाँ पर नाम थे जो बोकस थे वो अगर डिलीट हो रहा है तो हम उस बात का हमको अफसोस नहीं है। लेकिन साजिश के तौर पर अगर जो है वोटों की जो है यानी गिनती को यहाँ पर डिलीट किया गया तो ये हमारे लिए फिक्र वाली बात है। इसलिए मैं आप तमाम के ये चैनलों के ज़रिए मैं गुलबर्गा की आवाम से अपील करना चाहता हूँ, चाहे कोई भी होने दो, किसी भी कौम का होने दो, मैं उनसे तमाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने ID कार्ड को अपने लिस्ट में अगर है तो भी आप आके चेक कराइए। यानी हम ये मत सोचिए कि हमारा वोटर, हम इतने मरतबा वोट डाले, हमारे पास ID कार्ड घर में है,
आईडी कार्ड अगर घर में भी है तो आप अपने पास ऐप डाल लेकर ऐप के जरिए भी अपने दोस्त अहबाब के पास जो है आप चेक कर ले सकते हैं कि हमारा नाम है या नहीं है, या नहीं तो इस कैंप में आकर आप अपना नाम जो है चेक कराइए कि हमारा नाम डिलीट हुआ है या हमारा नाम मौजूद है। ये दूसरा कि 17 यानी 18 साल के जो बच्चे हैं जो इस बार जो उनका आईडी कार्ड में नाम इंदर्ज करा सकते हैं, तो उन लोगों से मैं अपील करता हूँ यानी पेरेंट्स से यानी अपने माओ बहनों से सबसे अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों का नाम जो 18 साल के हो चुके हैं उनका नाम आके जो है इस कैंप में आप जो है हबीब फंक्शन हॉल में, ये हबीब फंक्शन हॉल में कैंप डाला गया है यानी पहली तारीख से लेकर 10 तारीख का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन 10 तारीख को ईद आ रही है, 9 तक ये कैंप रखा जाएगा। और इससे हटकर भी इसके बाद एरिया वाइज भी जो है हम कैंप करवाने की जो है हमारे यूनुस खान साहब की एक फिक्र चल रही है, तो मैं अपील करता हूँ फिर एक मरतबा ज़्यादा ना कहते हुए कि आप तमाम लोग जो है इस मौके का फ़ायदा उठाइए, जब वक्त आए तो परेशानी की हालत जो है आपकी होगी, तो 30,000 ये मामूली बात नहीं है। तो जितने भी जो लोग मेरे बात को सुन रहे हैं कि वक्त से पहले आपको इस बात का हम आगाह कर रहे हैं कि एरिया वाइज भी जो है हम यहाँ पर जो है कैंप डालने वाले हैं, तो जहाँ पर भी आज यहाँ पर 10 तारीख तक होने वाला है जितने भी लोग नहीं हैं आज यहाँ पर अपना आईडी कार्ड जो बना सकते हैं। अभी फंक्शन हॉल में जो वोटर आईडी कैंप रखा गया है यहाँ पे मौजूद तमाम हाजरीन और शहरियाने गुलबर्गा अस्सलाम वालेकुम। जमहूरी निज़ाम में अगर जमहूरियत को बाकी रखना है, जमहूरियत को मजबूत करना है, जमहूरियत को सुधारना है और मुल्क दुश्मन ताकतों को उनकी असलियत मुकाम पर पहुंचाना है तो सबसे ज़रूरी हथियार है वो है हमारा वोटर आईडी कार्ड, यानी वोटर आईडी कार्ड। वोटर लिस्ट पे नाम रहने के बाद वोटर आईडी कार्ड की अहमियत है। कुछ लोग समझते हैं उनके घरों में जेबों में आईडी कार्ड है तो समझते हैं कि वोटर लिस्ट में हमारा नाम है, वैसा नहीं होता। 95 में जो वोटर आईडी कार्ड बना था वो लोगों के पास है, क्या उनका नाम वोटर लिस्ट में है नहीं है ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो खान साहब जो इसके मुंतजमीन है, ऑर्गेनाइजर है, उनके लिए मेरा एक मशवरा है या इस तरह के कैंप जो भी मुनक्कद कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उनके लिए मेरा मशवरा है कि वोटर लिस्ट पब्लिश हो चुकी है, वो वोटर लिस्ट की कॉपी अगर ऐसे कैंपों में रही तो लोग अपने अपने नाम आकर चेक भी कर लें, अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो ऐड कराएं, गलतियां हैं तो सुधार लें। अगर समझो शहर में जो है ना एक अफवाह क्या हकीकत चल रही है कि 30,000 से 40,000 वोट साउथ और नॉर्थ के कट चुके हैं, मैं समझता हूँ और 30,000 से 40,000 कट हो रहे हैं, अफसोस नहीं है अगर वो बोकस हैं तो, मगर एक भी शहरी है अवेलेबल है उसका एक वोट भी कट हो रहा है तो ये जमहूरियत का खतरा है। इसलिए अवाम से अपील है और मुंतजमीन से अपील है कि वो वोटर लिस्ट कैंपों में जो है ना रखें, लोगों को वेरिफिकेशन के लिए अपील करें। खान साहब ने बहुत अच्छी बात कही, हम घंटों जो है ना डिबेट में बातों में फजूल बातों में वक्त गुजारते हैं, एक फर्द अपने साथियों को 5-5 लोगों को अगर इस कैंप के ताल्लुक से वोट की अहमियत के ताल्लुक से अवेयरनेस पैदा करता है और अपने कहीं भी ऐसे कैंप हो रहे हैं जाकर अपना लिस्ट में नाम चेक करवाता है, नाम अगर कट हुआ है तो दलाना उसकी जिम्मेदारी है, ये उसके लिए इस जमहूरी निज़ाम में बहुत बड़ा हथियार है। इसलिए मेरी अपील है कि ऐसे कैंपों को कामयाब करें और ये यकीनी बना लें कि हमारा नाम प्रेजेंट वोटर लिस्ट में मौजूद है। ಖಾನ್ ಸಾಹಬ್ ಅವರ ಊರಿನವ್ರು ನಾವು, ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಪರವರಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಇದೊಂದು ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಬಂಧ ನೋಡಿ, ಬಡ ಜನರು ಯಾರು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಾಗ ಯಾರಿಗೂ। ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ ಖಾನ್ ಸಾಹಬ್ರು, ಇದು ನಮಗೂ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಅನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಶಾಪದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ವೈಸ್ದಾಗೂ ಇಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಈ ಥರ ಯಾರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಂತ ನನ್ನೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ। ಇದು ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ವೈಸ್ನೂ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 30,000 ವೋಟ್ ಏನು ಲೆಸ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಜನರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ 30,000 ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ। ಈಗ ಏನದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎದುರಿಸ್ಬೋದು, ಒಂದು ಇದು 10 ದಿವಸ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವ್ರು ಎಲ್ಲ
ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನ್ಸಾಬ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಆಜ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗೆ फ्री वोट ऑफ आई डी कार्ड कैंप रखा गया है हिंदुस्तान के सरकार की तरफ से. एक बहुत अच्छा थीम है कि हमारे नौजवानों के लिए, जो गरीबों के लिए, जो कूली काम करते हैं, जो लेबर काम करते हैं, तो आज प्राइवेट में जाते हैं तो 100-200 रुपये लेते हैं एप्लीकेशन के. यहाँ पर आने से क्या है, 10 दिन का कैंप रखे हैं, 1 तारीख से 10 तारीख तक यहाँ फ्री में रहेगा. तो मेरा एक रिक्वेस्ट है शाह गुलबर्ग के जितने भी तमाम नौजवान हैं, क्या वोटर लिस्ट में से नाम कट गया है, जो ऐड कराना चाहते हैं, जो 18 साल से ऊपर के जो भी मैच्योर्ड हो गए हैं, वो तमाम आके यहाँ पर फ्री में लेबर काम करते हैं, जो उनके लिए सबके लिए फ्री है. बड़े लोग जो भी है यहाँ पर, हमारे सीनियर साहब यहाँ के सीनियर लोग बोले कि हर वोट, हर एक बूथ से 100 वोट कट कर रहे हैं, एक साजिश चल रही है, वो जो इसमें कोई दोहरा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है. इसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए, इसके लिए हम आगे बढ़ के हमारी वोटर लिस्ट, जैसे साहब बोले, चेक करना चाहिए कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है. एक बहुत अच्छा बात है इन्होंने साहब बोले, ऐसा क्या है, हम जागरूक के लिए एक अच्छा कैंप रखें यहाँ पर. ये हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुके में ये ऐसा कैंप रखने से क्या है, लोगों में एक जागरूकता आती है कि हमारा भी वोटर लिस्ट में है या नहीं है. जब वोट डालने जाते हैं तो जब वोटर लिस्ट में देखते हैं अपना नाम ही नहीं रहता है, आई डी कार्ड हाथ में रहता है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहता. ऐसे बहुत से तकलीफ है जो लोगों को जानना चाहिए. खान साहब जो एक इवेंट करे दोबारा, बहुत अच्छा इवेंट है ये, तमाम हर जगह ऐसा इवेंट करना चाहिए. इसके बारे में हम हमारे तालुके में भी इसके आगे इसके बारे में सोचेंगे, खान साहब हमको सपोर्ट करेंगे. वो पे एक ये है, आई डी कार्ड बनाने के लिए दफ्तर में चक्कर लगाना पड़ रहा था, यहाँ पर यूनुस खान साहब जम डाले, मेरे बच्चे का वोटर कार्ड बन गया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत सारे लोगों को मदद मिली है, सारे लोगों को यहाँ पे मदद मिल जाएगी. जो कैंप चालू करे 1 से 10 तारीख तक जो कैंप रखे हैं, लोगों के लिए बहुत सहूलत हो जाएगी. सब लोगों का आई डी कार्ड बन गया जाए, मिल जाएगा. जिसका भी करेक्शन करना है करेक्शन कर सकते हैं आगे, जिसका भी नया कार्ड बनाना बना सकते हैं. बहुत अच्छा काम किया हिंदुस्तान साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम. हाँ, मेरे बच्चे का वोटर आई डी कार्ड डाला, सक्सेसफुल हो गया ये हिंदुस्तान का, उसका बहुत बहुत शुक्रिया. जो मेरे बच्चे का वोटर कार्ड आई डी आज बन गया है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने ये कैंप डाले.